नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसे। जी हाँ, बिल्कुल हलवाई जैसे समोसे। कैसे बनते हैं घर पर ही, आज मैं आपको कुछ खास ट्रिक के साथ बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। समोसे बनाने के लिए यहाँ हम लेंगे 2 कप मैदा। ये देखिए, मैं दूसरा कप भी डाल रही हूँ उसमें। अब इसमें डालेंगे हम नमक, यहाँ आधा चम्मच नमक लिया है, और साथ में डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन। इसे हम हाथ से क्रश कर लेंगे अच्छे से, ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा आए। इस तरीके से हम मसल कर डाल देते हैं। अब इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। मोयन डालना बहुत ज़रूरी है आटे के अंदर, इससे समोसा जो है बहुत खस्ता बनकर तैयार होगा। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से एकदम हलवाई जैसे समोसे बनकर तैयार होंगे। ये देखिए, मैं हाथों की हेल्प से अच्छे से इनको मिक्स कर देती हूँ। ये ऐसे जुड़ना चाहिए, तो इसका मतलब हमारा जो मोयन हमने इसमें डाला था वो सही तरीके से डाला है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक आटा गूंद लेंगे। आटे को हमें थोड़ा सख्त रखना है, ताकि हमें बेलने में आसानी हो। हल्का आटा हमें नहीं चाहिए इसमें। देखिए आटा बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल सही आटा लगाया है हमने। ये ज़्यादा सख्त नहीं है ना ज़्यादा ढीला है, तो इस पर मैं उंगलियों की हेल्प से ऑयल अप्लाई कर दूंगी, और इसे 20 मिनट के लिए हम ढककर रखेंगे। जब तक हमारा आटा सेट होता है, तब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने पहले से ही उबाल कर रख लिया था। तो यहाँ मिक्सिंग बाउल में मैं हाथ से ही इन्हें तोड़ लेती हूँ। हमें इन्हें थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है मसाले में। हमें इन्हें कद्दूकस नहीं करना, और ना ही इन्हें पोटैटो मैशर की हेल्प से मैश करना है। चलिए आटे को देख लेते हैं। इसे रखे हुए 20 मिनट हो चुका है, तो हम इसे थोड़ा और मथ लेंगे, ताकि ये अच्छे से मुलायम हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। और फिर हम इसकी लोइयां तोड़ लेते हैं समोसे की शेप देने के लिए। अब मैश किए हुए आलू में कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये लिया है 1 बड़ा चम्मच धनिया, सूखा धनिया जिसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था। 1 चम्मच लिया है जीरा पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर। यहाँ 3 से 4 हरी मिर्च मैंने चॉप कर ली थी, वो भी इसमें डाल देती हूँ। नमक स्वाद अनुसार मैंने आधा चम्मच लिया है, आधा चम्मच देगी मिर्च पाउडर, और 1/4 चम्मच लिया है गरम मसाला। तो इसे हाथ से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी सभी मसालों को। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आपको तीखा खाना ज़्यादा पसंद है, तो आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ हरी मिर्च डाली है इसमें। ये देखिए, मैंने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हम आटे की एक लोई लेंगे, और इसे सरफेस पे रखकर हम बेल लेते हैं। हमें इसे ओवल शेप में बेलना है। ये देखिए इस तरीके से मैं बेल लेती हूँ। किनारों से भी मैं इसको बेलूंगी अच्छे से, क्योंकि हमें ना ये ज़्यादा मोटा चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला चाहिए। ये देखिए इस तरीके से मैं बेल लेती हूँ इसको। अब देखिए, नाइफ की हेल्प से मैं इसके 2 टुकड़े कर दूंगी, बीच में से काट देती हूँ इसको इस तरीके से। अब हम एक पीस उठाएंगे और इसको समोसे की शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें बनाना है।
तो हम क्या करेंगे, पहले हमें एक कोने से इसको मोड़ देना है और हल्का सा इस पे पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। पानी लगाने से ये खुलेगा नहीं अगर हम अच्छे से प्रेस कर देंगे इसको। ये देखिए इस तरीके से मैं उंगलियों की हेल्प से इसको प्रेस कर देती हूँ अंदर से भी अच्छे से। ये देखिए कोन बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम स्टफिंग फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं मसाला लेकर इसमें डाल देती हूँ। ज़्यादा स्टफिंग मत भरिएगा, इससे हमारा समोसा जो है वो तलते टाइम खुल जाएगा। ये देखिए ऐसे हमें स्टफिंग इसमें फिल कर देनी है और इसके चारों तरफ पानी लगा देना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए इस तरीके से। अब हमें ऊपर से इसको भी बंद करना है। तो ये एक प्लेट मैं बना लूंगी यहाँ पर इस तरीके से, देखिए, और इसको चिपका देती हूँ। इसे अच्छे से चिपकाना है। पानी लगाने के बाद अगर हम अच्छे से इसको प्रेस करके अच्छे से दबा करके चिपकाएंगे तो ये खुलेगा नहीं। ये देखिए समोसा यहाँ पर मैंने शेप अच्छे से बना दी है। तो इसी तरीके से मैं और बना लूँगी। इसको मैं प्लेट पे रख देती हूँ। सभी समोसों को मैंने एक साथ बनाकर रख लिया है। चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले से ही गैस पर रख दिया था। इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं ये गर्म हुआ या नहीं। तो मैं आटा डालकर थोड़ा सा इसको चेक करूँगी। ये देखिए बबल्स निकलने स्टार्ट हो गए हैं, इसका मतलब तेल जो है वो गर्म हो गया है। ज़्यादा गर्म नहीं करना तेल को, लो फ्लेम पर ही हम फ्राई करेंगे सभी समोसों को। तो मैं इसमें एक एक करके समोसा डाल देती हूँ और हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, जिसमें हमें 6 से 7 मिनट लगेंगे। देखिए यहाँ पर हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है, तो हम इसे थोड़ा और फ्राई करेंगे। समोसे बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बने हैं ना बिल्कुल हलवाई जैसे, शेप भी एकदम परफेक्ट आई है। तो अब हम इन्हें निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए मैं एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देती हूँ इनका थोड़ा सा, कढ़ाई की साइड पर करछी रखकर। अब देखिए जो बचे हुए समोसे हैं वो भी मैं कढ़ाई में डालकर फ्राई कर लूंगी। देखिए दोस्तों समोसे कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम खस्ता बने हैं, बिल्कुल बाजार जैसे हैं, हलवाई स्टाइल हमने समोसे बनाए हैं। ये देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है इनका। तो आप इन्हें चाय के साथ ले सकते हैं, चाय के साथ इनका लुत्फ़ उठा सकते हैं आप। तो देखिए एक समोसा मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, देखिए कितना खस्ता बना है और एकदम परफेक्ट स्टफिंग इसमें भरी हुई है। तो ऐसी ही मेरी और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।